शारदीय नवरात्र के अवसर पर पचपेड़वा स्थित माता मातेश्वरी दरबार से एक भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो गोरखनाथ मंदिर, धर्मशाला बाजार, गोलघर होते हुए राजघाट स्थित राप्ती नदी पर पहुंची, जहां कलश में जल लेने के बाद शोभा यात्रा वापस पचपेड़वा पहुंची, जहां कलश की स्थापना की गई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम के संयोजक रंजीत कुमार कुशवाहा ने बताया। रंजीत कुमार कुशवाहा, ये माता मातेश्वरी सेवा दरबार पचपेड़वा गोरखनाथ से जो है हर वर्ष की भांति शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर कलश यात्रा का भव्य विशाल आयोजन किया गया है, जो नगर नगर भ्रमण होते हुए पुनः पचपेड़वा दरबार कलश स्थापना होगा। इसमें यह कार्यक्रम 10 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक चलेगा, जिसमें 24 तारीख को विशाल भंडारा है। समस्त माँ भक्त इस दरबार में आते हैं श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ। यहाँ भ्रम, अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर किया जाता है परम पूज्य सद्गुरु माता गुरु श्री के द्वारा, और प्रत्येक दिन परम पूज्य माता सद्गुरु के द्वारा आशीर् प्रवचन होते हैं, अमृत वाणी होते हैं, जिसमें माँ के परम पूज्य सद्गुरु माता गुरु श्री के द्वारा अमृत वाणी होते हैं, जिसमें सारे भक्तों का कल्याण होता है।